तमाम मसाजिद के जिम्मेदार तमाम आइम्मा हजरात से गुजारिश है कि आप लोग जो स्टेट व बोर्ड के जो गाइडलाइंस है उस पे अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले लॉकडाउन के दरमियान में मसाजिद में पाबंदी 5 से ज़्यादा नहीं पड़ने की पाबंदी थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी अंदाज से उसको अमल करते हुए हमको उस एहसास के साथ कि हम 50 लोगों से ज़्यादा मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक आपको मैं एक बात बताऊँ कि हमारे इस्लाम में पाकीज़गी आधा ईमान है। अगर हम वैसे थे मोमिन, वैसे थे ईमान वाले, अगर ये चीज़ पे अमल नहीं करते हैं तो लोगों को बोलने का मौका मिल सकता है। तो हम जितना मैक्सिमम हो सकता है उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होने से पहले आप अपने चेहरे को मास्क लगा के दाखिल होना चाहिए। 10 साल के कम उम्र बच्चों को मस्जिद में आना ममनू है, मना है। और 60 साल की उम्र के लोगों को, जो ज़ईफ हजरात हैं, उनके लिए मस्जिद में आना मना है, पाबंदी है। मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले, रकात भरने से पहले अपना 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके ठहरना चाहिए। जो भी हजरात मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपका टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए और उनके हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। अगर सैनिटाइज नहीं है तो आप साबुन से हाथ धो लेके अंदर जाना चाहिए। ईद उल अज़हा के मौके पे एक अहम इत्तला है कि आप उस दिन लोग खुशी में जो है ना हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन वो ममनू और मना है। आप किसी से हाथ ना मिलाएं और किसी से गले ना मिले। मस्जिद को आने से पहले अपने घर से वजू करके अपनी खुद की जानिमाज लेके आए तो बहुत ही मुनासिब बेहतर होगा। बहुत से लोग कुरान की तिलावत करने के लिए आते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन वैसे लोगों के लिए ये गाइडलाइन के अंदर उसके अंदर पाबंदी है कि आप मस्जिद में कोई कुरान शरीफ के कोई पारे या कोई हदीस शरीफ या कोई किताबों को जो मस्जिद में रखे हुई होती है उसको हाथ ना लगाएं। हर मस्जिद में अगर कोई एक अजनबी जो किसी से जान पहचान का बंदा नहीं है तो ऐसे आदमी को जिम्मेदारों का ये फ़र्ज़ है, मस्जिद कमेटी वालों का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे आदमी को उसका टेम्परेचर चेक करके अंदर दाखिल होने देना चाहिए। अगर आप लोग उसको बगैर देखे के बगैर चेक करे के शायद हो सकता है वो कोई और बीमारी से मुतला हो सकता है, तो ये फ़र्ज़ है, ये फरीज़ा है कि जिम्मेदार जो कमेटीज़ होते हैं उनका और मोहल्ले के तमाम नौजवानों का फरीजा होता है कि आपने, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के गाइडलाइन है। हम अच्छे रहना, घर अच्छा रहना, महिला अच्छा रहना, शहर अच्छा रहना, ये तमाम चीज़ें हमारे और आपके बेहतरी के लिए और सबके सहूलत के लिए और अच्छाई के लिए, ये आप लोगों के लिए ज़िला कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से, मैं बहैसियते डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आज कर्नाटक स्टेट के जो 24/7 को ये जो डायरेक्शन आए हुए हैं, गाइडलाइन है, इसके मुताबिक आप लोगों को और हमको हिदायत दी गई है कि आप हर ज़िले में इसको हर एक कमेटी के जिम्मेदारों को, शहर के अवाम को इत्तला देने के लिए गाइडलाइन दी गई है। उसी के मुताबिक हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि गाइडलाइन को फॉलोअप कीजिए, एक गाइडलाइन पर अमल करने की कोशिश कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए आपको और हमको तमाम उम्मत मोहम्मदी को शायद से नवाजे और ये कोरोना वायरस का वबा ये जो चल रही है इसका खात्मा करे। मैं अब्दुल खदीर चोंगे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ज़िला गुलबर्गा, ये हमारे को जो स्टेट से गाइडलाइन नहीं थी वैसे थे एक चेयरमैन की हैसियत से आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये इत्तला दे रहा हूँ कि इसको अमल करें।